हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो आज मैं ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी सिस्टर का किया था। ये मेरी छोटी बहन है, तो मैंने इसका मेकअप लुक क्रिएट किया था। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि कैसा लगा। तो बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने टोनर लिया है, ये रोज वाटर है। तो मैं इसे इसको फेस पर स्प्रे कर लूँगी। और आपके पास अगर स्प्रे बोतल नहीं है, तो आप गुलाब जल को कटोरी में डाल के रुई को डब करके अपना फेस क्लीन कर ले, और इसको थोड़ा सा ड्राई होने दे। जब ड्राई हो जाए, फिर इसके बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइज क्रीम, जो कि मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स मॉइस्चराइज क्रीम यूज की थी। वो शायद वीडियो कट गया अब, मतलब तो बस यहाँ पे आप अच्छी सी कोई सी मॉइस्चराइज क्रीम ले ले जो आप लगाते हो सर्दियों में। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अब और इसके बाद मैं यूज करूँगी प्राइमर। तो मैं यहाँ पे प्राइमर लगा लूँगी, और प्राइमर को भी हम थोड़े मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि सेट हो जाए। फिर उसके बाद लगाएंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन को हम अपने हैंड में निकाल के चेहरे पर डब डब करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फाउंडेशन को हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, नेक पर फेस पर अच्छे से लगा लेंगे। और इसके बाद मैं लगाऊंगी कम्पैक्ट पाउडर, जो कि हमारे फाउंडेशन को सेट करता है। तो मैं यहाँ हुडा ब्यूटी का कम्पैक्ट ले रही हूँ, तो मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। और इसके बाद मैं आईब्रो फिल करूँगी। इसके लिए मैंने EDS की पेंसिल ली है, ये मैंने 10 रुपीज़ की ली थी। तो मैं इससे आईब्रो सेट कर लूँगी। तो आईब्रो सेट करने के बाद इसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप। तो यहाँ मैं जैकलिन हिल की पैलेट ले रही हूँ, और इसमें काफ़ी कलर शेड मिल जाते हैं आपको आई शेडो के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रेड कलर लिया, तो मैं रेड कलर लगा लूँगी आई शेडो का। फिर उसके बाद ऊपर से मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी, इससे कि हमारी आईज़ का लुक बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी। रेड कलर के बाद मैंने ब्लैक आई शेडो कलर लगा लिया। तो देख सकते कितना प्यारा आई मेकअप लग रहा है। तो इसी तरह मैं दूसरी आईज पे भी पहले रेड आई शेडो लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वो ब्लैक। इसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर, ये मेबलिन का आईलाइनर है, बहुत अच्छा आईलाइनर है। तो मैं आईलाइनर लगा लूँगी दोनों आईज पर, और मैं थोड़ा हैवी आईलाइनर लगाऊंगी, मतलब मोटा सा। और देख सकते हैं आप, दोनों आईज पर लगा लिया और कितना प्यारा लुक आ रहा। और इसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा, और मस्कारा लगा लूँगी। और मस्कारा जैसे हमें लेस नहीं लगानी, तो हम एक बार सूख जाने के बाद दूसरी बार लगा ले तो बहुत अच्छा लुक आता। तो मैं यहाँ पे दूसरी बार भी मस्कारा लगा लूँगी सूखने के बाद। अब मैं लगाऊंगी काजल, और ये काजल भी ADS की काजल पेंसिल है। तो मैं दोनों आईज पर काजल लगा दूंगी। काजल लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी ब्लश। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का लगाऊंगी ब्लश। हाई अब मैं करूँगी हाईलाइट। तो मैं नोज चिन हाई पॉइंट एरिया जहाँ होता है, तो मैं हाईलाइट कर लूँगी, जिससे कि हाईलाइट से ना ये बहुत प्यारा लुक आता।
और इस बार पता नहीं कैमरे में क्या प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल मतलब, तो लाइट कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिपस्टिक, तो बस इसके बाद मेरे सिस्टर का मेकअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर ज्वेलरी वगैरह पहना के फिर फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो अच्छे से अच्छा बनाऊँ। और देख सकते फाइनल लुक, तो पहले सिस्टर बोली पहले मुझे जूड़ा बना के दिखाओ, तो मैंने जूड़ा बनाया, फिर बाद में मैंने वालों को खोल दिया था। तो आपको कौन सा लुक अच्छा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। बाय बाय।